बारे में? ये 48 हॉर्स पावर में है जी, 48 HP में है ये, मतलब जितना 48 है लेकिन 52 का मुकाबला करता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वराज 744 FE के जो हमारे ओनर हैं, वो जो किसान भाई हैं, उनसे बात करने वाले हैं। तो हमारे दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से प्यार भरी राम राम। राम राम। मैं गांव श्याना से सुरेंद्र सन्नोफ राम नारायण। तो मैं शुरू से पहले तो मैं महिंद्रा ट्रैक्टर रखता था, लेकिन उससे मतलब मेरी संतुष्टि नहीं हुई। तो मैं अब काफ़ी साल से मतलब स्वराज 744 ही रखता हूँ। मेरा ये तीसरा ट्रैक्टर है जी। तो इसमें मैंने बहुत सारा मतलब बहुत प्रॉफिट हुआ इसमें, मतलब इसकी खिंचाई भी और ट्रैक्टरों से 21 पड़ती है। कितना ही वजन डाल लो इसके अंदर, ये पीछे नहीं हटता। जुताई के अंदर भी ये 11 की टिल्लर खींचता है। और इसकी बाहर से भी मतलब इसका रंग कभी फेड नहीं होता इसका। सवाल जी, सबसे पहले ये बताओ, आपने ये ट्रैक्टर कौन से सन में लिया था? ये 2021 में 1 जनवरी को ही लिया था। उस टाइम पर सर इसकी एक्सोरूम प्राइस कितनी थी? इसकी थी जी 6.25 लाख रुपए। तो सर इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ हमें इस खूबियां, इसके नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि आपने इस ट्रैक्टर को रखते हुए क्या क्या फायदे, क्या 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 कुछ पावर लगी इस ट्रैक्टर के बारे में? ये 48 हॉर्स पावर में है जी, 48 HP में है ये, मतलब जितना 48 है लेकिन 52 का मुकाबला करता है। 855 के बराबर में है ये। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। एक तो ये जितना अगर लोड कितना भी डाल लो इसके अंदर, ये पीछे नहीं हटेगा। अगर उठ भी जाता है तो उठने के बाद में तो ये रुकता ही नहीं है, ये पढ़ करके ले ही जाता है। हाँ तो सर इस ट्रैक्टर के बारे में फ्रंट से शुरुआत करते हैं। इसमें आप जैसे कि आपने ये गार्ड लगवा रखे, ये क्या काम आता है सर? ये के लिए है या फिर सेफ्टी के लिए भी है जी। और थोड़ा सा आगे थोड़ा सा हल्का सा वेट भी हो जाए। हाँ। हो जाए या फिर उसे हाँ जी, ट्रैक्टर की शॉक को नुकसान नहीं होता? नुकसान नहीं होता इसको, मतलब इसकी सेफ्टी बहुत है। हाँ। तो सर थोड़ा सा हमें इसे इनके टायर के बारे में बताइए, कितने साइज का टायर है ये? 750 का है जी। हैवी टायर लगता है? 750/16 का। हाँ हैवी है जी ये। और ये देखिए 4-स्टार में है स्वराज का। हाँ 4-स्टार की बैजिंग है 744 HP। हाँ 4-स्टार में है जी। इसके 16 के एरो चलते हैं जी। अच्छा। और 11 के टिल्लर चलते हैं। तो उसको मतलब 855 के भी वही जोड़ते हैं और 44 के भी वही जोड़ते हैं, लेकिन ये उसका 55 का मुकाबला करता है 44 जी। लगभग महीने के अंदर ही एजेंसी में मतलब 40 और 45 के आसपास सप्लाई हो जाते हैं। हाँ तो इसकी मार्केट अच्छी है, खिंचाई भी अच्छी है। ये ट्रॉली के अंदर भी जी, जुताई के अंदर भी, किसान भाइयों के लिए मतलब स्वराज ट्रैक्टर सबसे बेस्ट है। तो अंकल जी ये पावर स्टेयरिंग में है? हाँ पावर स्टेयरिंग है जी। पावर स्टेयरिंग 3 सिलेंडर में है, 4-स्टार है? 4-स्टार है जी। इसमें 5-स्टार नहीं आता या फिर 855 नहीं आता है? नहीं 855 ही आता है जी। 5-स्टार में? हाँ। स्टेयरिंग पावर वो कैसी है? स्टेयरिंग पावर जी बहुत मतलब वो है इसकी, तो गाड़ी की तरह मतलब उंगली से घुमा लो चाहिए। हाँ। तो कितने स्पीड में, कितने गियर हैं इसके? इसके 4 वैसे हैं जी, 4 गियर वैसे, एक बैक वाला है, 5 गियर होते हैं इसके। ये देखिए इसके इंडिकेटर जला दिए हैं, ये जो
इसका मीटर ये इसका पूरा लुक है जो मीटर का है और ये टेम्परेचर का बैटरी का और ये अंकल जी ये घंटे का है ना जी स्पीड हाँ, का ये है? ये घंटे का है जी इसमें घंटे हाँ इंजन कितने घंटे चल चुका हाँ जी और ये न्यूट्रल का है हाँ ये मतलब जैसे ये मोबाइल का है जी जैसे लो आई का ये है हाँ न्यूट्रल हो जाए तब ये स्टार्ट होता है ये हाँ ये इसकी जो पीछे की लिफ्ट कंट्रोल करने के लिए हाँ और अंकल जी इसकी फ्यूल कैपेसिटी के बारे में दिए इसमें डीजल कितना आता है इसमें डीजल जी 50 लीटर लगभग आता है और मतलब इसकी जुताई में भी मतलब चाहे आप एक सिलेंडर को जोड़ लो आईसर को जोड़ लो और तीन सिलेंडर को जोड़ लो ये लोड के अंदर तो वही एवरेज देगा अच्छा स्वराज भी वही देगा जी और आईसर एक सिलेंडर है वो भी वही देगा हाँ क्यों इतनी इसकी खिंचाई ज़्यादा हो जाती है जी ये डीजल फिल्टर हैं जी ये हाँ ये डीजल फिल्टर हैं इसकी सर्विस होती है जैसे इसको पुराने को निकाल देते हैं सर्विस कराते हैं तब तो इससे तेल है वो मतलब छन करके जाता है अच्छा, फिल्टर हो करके ये भी डीजल फिल्टर है इसमें जैसे जो पानी की मात्रा होती है तेल में कोई आ जाती है अच्छा, तो वो इसके अंदर हाँ यहाँ पर कर लेता है इंजन में पानी नहीं जा सके और इसमें कोई दिक्कत ना हो सके तो अंकल जी हमें थोड़ा लिफ्ट के बारे में कुछ बताएं क्योंकि हमें जो किसान भाई हैं लिफ्ट का भी प्रयोग करते हैं तो लिफ्ट पावर कैसी है इसकी लिफ्ट पावर जी इसके ऊपर वजन भी चाहे कितना भी रख लो 3.5 क्विंटल तो 4.25 के लगभग तो टिलर होते हैं अच्छा जी तो उसको भी उठाता है और भी वजन इसके ऊपर रख लेते हैं मैज भी होती है भारी मैज भी रखते हैं तो लिफ्ट के बारे में भी मतलब बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है ये स्वराज अंकल जी ये एक तो ये मान लिया डंपर के लिए हाँ ये पंप ये अलग से ये कंप्यूटर गोड़ी के लिए अच्छा, है जी हाँ, अलग अलग लगा दिया खेतों में जो किसान जो खेत को लेवल करने के लिए जो गोड़ी लगाते हैं उसे कंप्यूटर गोड़ी बोलते हैं हम देसी भाषा में तो उसके लिए होता है तो अंकल जी आपने ये जो डंपर जोड़ रखा है इसका जुगाड़ तो बहुत हैवी करवा रखा हाँ हैवी जी ये मतलब वजन में चलता है ज्यादातर ये लगभग 150 क्विंटल तो मतलब अच्छा मतलब कि आप जो बिल्डिंग में जो मटेरियल है डस्ट वगैरह रोडी वगैरह वो सप्लाई का ज्यादातर शायद हाँ वही काम करते हैं जी जो टायर की जो चौड़ाई है अंकल जी मेरे को तो कुछ ज्यादा ही लगी कितने साइज का हाँ, टायर है ये 14 का है जी 14 का 14x28 का है जी हाँ तो ये देखिए जो हमारे किसान भाई हैं और ये मतलब जी मतलब ट्रॉली के अंदर भी इसके पीछे चाहिए एक और ट्रॉली जोड़ लियो मतलब ये पीछे नहीं हटता दमदार है मतलब दमदार ट्रैक्टर है इसके पीछे एक और जोड़ लो गन्ने की भी जी बहुत मतलब दो दो ट्रोलियां जुड़ करके आती है पंजाब साइड में भी क्योंकि जो यूपी में हाँ जी वो दो दो ट्रालियां जोड़ के चलते हैं हाँ हाँ क्योंकि जो जो नॉर्मल साइड है इस साइड गन्ने की खेती नहीं होती तो जो हमारे जो किसान भाई है खेती के साथ साथ और एक ही जो डस्ट वगैरह रोडी वगैरह सप्लाई का भी काम करते हैं तो अंकल जी और कुछ बताओ हमें ट्रैक्टर के बारे में ट्रैक्टर कैसा लगा आपको नहीं ट्रैक्टर जी बहुत बढ़िया मतलब मैं तो इससे बाहर चलूंगा ही नहीं मतलब ट्रैक्टर ये इतना अच्छा ट्रैक्टर है स्वराज की मशीनरी है जो वो बहुत अच्छी है चाहिए आप 24 ले लो 35 ले लो या 44 ले लो 55 ले लो वो भी मतलब स्वराज की सबसे बेस्ट मैंने तो लगती है मैं तो इससे बाहर मतलब स्वराज से बाहर नहीं चलता क्यों भरोसा इसको मेरे पे है मैंने इसके ऊपर कर रखा है मतलब कि एक साथी का काम करता है उसको हाँ जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने का काम करता है यानी कि उसको पैसे में एक धनवान बनाने की एक वो कहते हैं ना कि मेरा तो ये एक जीवन साथी है जी मैं तो इसी से मतलब कमा करके खाता हूँ क्योंकि अंकल जी खेती वगैरह करते हैं और हाँ मटेरियल सप्लायर का काम करते हैं तो अंकल जी आप खेती कितने एकड़ की करते हो मैं 15 एकड़ की करता हूँ जी खेती भी 15 एकड़ के लिए हाँ, सफिशिएंट है यानी कि मतलब कि 15 जो एकड़ की खेती है वो पूरी कर देता है हाँ हाँ 15 की तो अपनी है जी मैं लगभग वैसे और 50 किले की खेती करता हूँ
किराए की, किराए की 50 किले की। हाँ खेती करता हूँ तो 50 किले को ये दबा लेता है अकेला। ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो इसमें ये पंप है जी, डबल पंप दे दिया इसमें ये पंप किस चीज का जी? पंप ये लिफ्ट का भी है, लिफ्टों का है जी। एक डंफर अलग से ठाने का है और एक ये पावर स्टेयरिंग का है, ये मोबिल फिल्टर है जी। ये हाँ ये पंप है जी, दो पंप दे दिए ये डबल पंप। हाँ मैं ये कहता हूँ जी, अगर जिसने स्वराज ट्रैक्टर ले लिया और खेत में जुताई के लिए ले लिया तो दो मन सरसों अलग उससे मतलब और ट्रैक्टरों से ज्यादा पैदावार देगा ये, मतलब इसकी इतनी खिंचाई और इतने टिलर, इतने ज्यादा टिलर खींचता है ये। कहने का ये बात है जो किसान भाई हैं जो 10-15 किले की खेती करते हैं या फिर इससे ज्यादा की करता है वो ले सकता है। हाँ उसको स्वराज ट्रैक्टर ही लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं इसमें और कोई नहीं दिक्कत जी। अंकल जी वैसे जो रोड पर जो चलते हैं वो माइलेज शायद हमें माइलेज के बारे में बताओ कुछ, रोड पर चलते हैं कितने किलोमीटर पर लीटर का? हाँ हाँ ये लोड के अंदर जैसे लगभग जी 150 क्विंटल वेट इसके अंदर डाल करके और 5 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसकी औसत आती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में पता लग सके। तो सारे दर्शकों को राम राम। राम राम। नमस्कार।